हेलो एवरीवन, ये वाला वीडियो अभी तुरंत बना रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ है इस चीज़ से मैं अभी मतलब फेस कर रहा हूँ। एक चीज़ है जो रिलेटेड है इंस्टाग्राम से, लेकिन इंस्टाग्राम का जो हमारा सीरीज़ है उसमें नहीं आएगा ये वाला। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग हैं आप में से भी जो लोग मतलब इंस्टाग्राम पेज को ग्रो करोगे, करने के बाद में जाके स्पॉन्सरशिप लोगे लोगों से, तो यही करने के लिए ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम बनाते हैं। तो मैं अभी रिसेंटली मेरा प्रिंट ऑन डिमांड और ड्रॉप शिपिंग के लिए जो इंस्टाग्राम पेजेस है उसका हेल्प ले रहा हूँ। तो मैं उसमें क्या करता हूँ, पहले क्या करता था, बाहर के जो लोग होते हैं, बाहर के जितने भी पेजेस हैं उसमें अप्रोच करता था। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो पेमेंट का डील होता है वो होता है पेपाल से, और पेपाल में हम लोग अगर एक बार किसी को ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो वो लायबल होता है काम को करने के लिए। वो अगर हमारा काम नहीं करेगा तो हम लोग पेपाल में डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं, वो तो पैसा वापस हमें मिल सकता है अगर हम लोग जीत गए तो, और जितना ही है, क्योंकि वो अगर पोस्ट नहीं करेगा और अगर हम लोग पैसा दिए उसको पेपाल में और पेपाल में सही से मेंशन करके दिए कि क्या करना है उसको और वो नहीं करेगा तो हम लोग जीत जाएंगे, पैसा हमें मिल जाएगा। लेकिन इंडिया में क्या होता है, हम लोग UPI ट्रांजेक्शन करते हैं, फ़ोनपे गूगल पे से ट्रांजेक्शन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैंने अभी तक मतलब अभी रिसेंटली एक हफ्ते में शायद 3 इंस्टाग्राम अकाउंट से डील किया है। तो उसमें क्या होता है, जैसे UPI से ट्रांजेक्शन एक बार हम लोग कर देते हैं पैसा, क्योंकि पहले ही पैसा सब लोग मांगते हैं, तो जैसे ही पैसा दे दिए उसके बाद वो लोगों का जो रेस्पॉन्स आना बहुत कम हो जाता है, बहुत रेस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि इस टाइम पर पोस्ट करना है तो वो लोग उस टाइम पे ना एक्टिव हो रहे हैं, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं, अपना खुद का मतलब पोस्ट डाले जा रहे हैं लेकिन मेरे पोस्ट का रिप्लाई नहीं दे रहे। और एक चीज़ जो मैं नॉर्मली करता हूँ, मैं जब किसी का प्रमोशन करता हूँ मेरे पेजेस में, मैं हमेशा उसको हेल्प करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सही टाइम पर उसका पोस्ट करूँ। इंस्टाग्राम पे एक चीज़ है जो आप लोग अगर यूज़ करोगे और अगर कर रहे हो तो पता होगा, ज़्यादा अगर स्टोरीज़ हम लोग डालते हैं, मान लीजिए दिन का हम लोग 10 स्टोरी डालते हैं, जो आखिरी वाला स्टोरी है उसमें हो सकता है उस टाइम पे ज़्यादा रीच ना मिले या फिर बीच में से स्टोरीज़ का, क्योंकि उस टाइम में इंस्टाग्राम बार बार लोगों को तो दिखाएगा नहीं स्टोरीज़, तो रीच कम मिलता है। लेकिन अगर फ्रेश स्टोरी होगा आपका और जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग आपका मतलब एक्टिव रहते हैं उस टाइम पे डालोगे तो सबसे ज़्यादा रीच आता है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप जो एंड टाइम होता है, दिन का जो एंड टाइम होता है रात के 10-11 बजे, उस टाइम पे अगर स्टोरी अपलोड करूँगा तो ज़्यादा रीच मिलेगा आपको। तो ऐसे करके मैं शेड्यूल लगाता हूँ, और जैसे ही मैंने अपलोड किया तो तुरंत लिंक भेज देता हूँ उनको कन्फर्मेशन करने के लिए, और पहले ही बता देता हूँ किस टाइम पर अपलोड होगा। लेकिन ये जो इंडियन पेजेस है, क्योंकि इसमें UPI से ट्रांजेक्शन होता है और लोग उतना प्रोफेशनल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं प्रोफेशनल है, उनसे अगर कुछ बात किया तो कुछ वो लोग दूसरा सुनते हैं ये लोग। जैसे कि नॉर्मली इंस्टाग्राम पे और एक चीज़ होता है, अगर मान लीजिए आपका एक प्रोमोशनल स्टोरी है तो उससे पहले मैं बताता हूँ कि एक पोल लगाने के लिए, मतलब आपसे खुद से कोई भी एक पोल लगाने के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम जो पोल्स है उसमें क्या होता है, एंगेजमेंट काउंट होता है पोल्स में, तो क्या होता है स्टोरी का रीच जो है वो बढ़ा देता है। तो मैं बताता हूँ कि हमेशा एक पोल लगाने के लिए, और कुछ इंस्टाग्राम पेजेस है वो तो समझते नहीं है कि पोल लगाना ही क्यों है मुझे, तो ऐसे करके बहुत दिक्कत करते हैं ये लोग। और दूसरा चीज़, अगर ऐसे ही मैंने वीडियो दे दिया उनको तो वो लोग ना एडिटिंग देखेंगे, ना कुछ देखेंगे, ना स्वाइप अप वाला, उसमें जो आइकॉन होता है जिप फाइल आता है वो लगाते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं, थोड़ा सा भी मतलब खुद से इनपुट नहीं लगाते। तो इससे क्या होता है, इससे मतलब कोई अगर किसी को अगर मान लीजिए प्रमोशन करके अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो दोबारा कभी भी नहीं करेगा उससे प्रमोशन, तो इससे हमारा खुद का नुकसान है। और एक चीज़, जैसे बात करने का तरीका होता है, एक थोड़ा प्रोफेशनल रहना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हम जो व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं एक 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 करके मैसेज डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा अच्छे से प्रोफेशनल करके एक मैसेज में सारा चीज़ें लिख के देना होता है। वो लोग क्या करते हैं, जैसे व्हाट्सएप में बातें कर रहे हैं ऐसे करके डाल रहे हैं, बहुत मतलब इरिटेशन सा लगता है ऐसे प्रमोशन करके। स्टोरी वाला पोस्ट है अगर हम लोग उसको इंस्टाग्राम के तो शेयर करेंगे, फोटोज़ है तो तब भी कभी कभी मान लेते हैं हम लोग, लेकिन जो वीडियोज़ है वो इंस्टाग्राम उसका जो क्वालिटी है वो बहुत कम कर देता है। और स्टोरी में जाने के बाद आपको पता होगा आपका अगर मतलब इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, स्टोरी का क्वालिटी ऊपर नीचे जाता है। तो इसलिए स्टोरी को या फिर कोई भी मतलब पोस्ट अगर आप करवा रहे हो तो उसको हमेशा मेल के थ्रू शेयर करना चाहिए, तब जाके अच्छा रहता है। या फिर इंडियन है उससे व्हाट्सएप के थ्रू भी आप डॉक्यूमेंट बना के शेयर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं एक इन्फ्लुएंसर से बात कर रहा था, मैंने उसको बोला कि मेल आईडी देने के लिए मैं मेल कर दे रहा हूँ, वो बोल रहा है कि नहीं मेल नहीं, यहाँ पे ही सेंड कर दो। वो समझ ही नहीं रहा था कि वो यहाँ पे डिक्रीज़ होगा फाइल का जो क्वालिटी है, वो बोल रहा था सब लोग तो यही करते, सब लोग ऐसे ही मुझे शेयर करते स्टोरी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद बहुत छोटे छोटे चीज़ें, एक इन्फ्लुएंसर से ऐसे बात हो रहा था, मेरा जो लिंक है वो थोड़ा ख़राब हो गया था, शॉपिफाई का जो लिंक है वो ख़राब हो गया था, इसमें कुछ दिक्कत आ गया था। तो मैंने क्या किया था, लिंक जो है उसको थोड़ा चेंज कर लिया था,
प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, लिंक चेंज कर लिया था। तो मैंने उसको बोला कि वो जो लिंक है उसको चेंज कर देने के लिए, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत अपडेट किया, वो मान ही नहीं रहा था। वो बोल रहा कि ऐसे करोगे तो दूसरा प्रमोशन आ गया तुम्हारा। मैं बोल रहा हूँ जो फोटोज़ है डाला हुआ है उसके जो पोस्ट में वो तो सेम ही है, मैं जो लिंक है वो बस चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ब्रोकन है वो समझ ही नहीं रहा था। उसके बाद उसका शायद टीम में कोई दूसरा बंदा था, उससे बात हुआ, इंडिया का ही था वो, उससे बात हुआ उसके पर्सनल प्रोफाइल में मैंने, तब जाके वो माना, तब जाके वो चेंज किया। तो ऐसे करते लोग, तो ये चीज़ कभी मत करना इंस्टाग्राम के करोगे तो। थोड़ा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखना, तो अच्छे से बात करने की कोशिश करना लोगों से, तभी मतलब लोग ज़्यादा करेंगे। और सबसे अच्छा चीज़, किसी के अगर प्रमोशन करेंगे तो उसको इनपुट देना है, क्योंकि हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, हमें पता है कि कौन सा चीज़ वर्क करता है कौन नहीं करता। तो हमें बताना है किस टाइम पर पोस्ट करना चाहिए तुम्हें, किस टाइम पर स्टोरी करना चाहिए, किसने में कितना रीच आता है, एनालिटिक्स शेयर करना चाहिए बाद में। तो ये सब चीज़ें करना चाहिए, सब नहीं करते तो वही होता है, मतलब थोड़ा सा जुगाड़ टाइप का लगता है ये सब प्रमोशन। तो बस यही था इस वीडियो में, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन टाइप का नहीं था, बस पर्सनल अभी इस चीज़ से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस चीज़ को, जिसका आंसर ये शेयर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो देखा तो एंड स्टे कनेक्टेड। और इंस्टाग्राम वाला जो सीरीज़ है वो थोड़ा दिक्कत चल रहा था अभी कुछ दिन से, जिस कारण से अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आ रहा है वो, धीरे धीरे आएगा वो, कंप्लीट आ जाएगा। थैंक यू।